नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति आत्मकथा में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाम। जाने जमाना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आत्मकथा में हम आपके सामने लेकर आते हैं ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने मुकाम को हासिल किया है। आत्मकथा बनाने के पीछे वह जिंदगी का दो मकसद है। पहला तो यह कि हम उन व्यक्ति के संघर्ष और सफलता की कहानी को फिल्म के माध्यम से सुरक्षित कर देते हैं, जिससे उनके आने वाली पीढ़ी भी उन्हें जान सके, उनके द्वारा किए गए कार्यों को समझ सके, उनके इतिहास को देख सके जिसे स्वयं उन व्यक्ति ने बताया है। और दूसरा कारण यह कि हमारे जो दर्शक है, वह जिंदगी के जो दर्शक है, उनकी आत्मकथा को देखकर प्रेरणा ले सके कि अगर हम अपने मन में एक विश्वास कर ले, अपने मेहनत करे, लगन करे, तो हम उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। आज के इस एपिसोड में जिनकी आत्मकथा हम देखने वाले हैं वह विशेष हैं। बचपन बीतते ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और बड़े भाई होने के नाते उन्हें तीन भाइयों और दो बहनों की पिता की भूमिका निभाई। परिवार के सारे जिम्मेदारियों को पूरा किया, कड़ी मेहनत करी, संघर्ष किया और एक वृहद व्यवसाय स्थापित किया। कई सामाजिक और धार्मिक कार्य करके ना सिर्फ अपने परिवार पर अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी को बनाई वह जिंदगी। उनके संयुक्त परिवार को आज पूरे भारत में एक मिसाल की तरह देखा जाता है। तो चलिए करते हैं खास मुलाकात भारत की जानी मानी कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक के चेयरमैन श्री प्रदीप जी जैन से, देखते हैं उनकी आत्मकथा। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा आग में तपकर होती है, उसी भांति व्यक्ति की पहचान उसके त्याग, गुण और कर्मों से होती है। नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन आज आगरा में हूं। एक ऐसे व्यक्ति के आत्मकथा आप देखेंगे जिन्होंने एक तरफ जहां बचपन में घोर संघर्षों का सामना किया, पर आज उनकी कंपनी भारत की प्रतिष्ठित बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में आती है। धर्म, समाज, शिक्षा, न जाने कितने क्षेत्रों में इन्होंने काम कर एक संयुक्त परिवार की परिभाषा को हमारे समाज के सामने में रखा है। और ये व्यक्ति हैं भारत की प्रख्यात पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के चेयरमैन श्री प्रदीप जैन। प्रदीप जी, जय जिनेन। जय जिनेन, जय जिनेन। प्रदीप जी का जन्म सन 1957 में आगरा के एक धर्मनिष्ठ जैन परिवार में हुआ। माता श्रीमती प्रेमवती देवी और पिता श्री नेमीचंद जी जैन थे। प्रदीप जी, आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 6 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे से छोटी मेरी बहन है रश्मि जैन, उससे छोटे
मेरे भाई हैं नवीन जैन और उनसे छोटे चक्रेश जैन हैं, उनसे छोटे मेरी बहन है उषा, उससे छोटे योगेश जैन, तो हम लोग टोटल 6 भाई बहन हैं। मूलतः मध्य प्रदेश का ये जैन परिवार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर आगरा के निकट एक गांव का निवासी था, जहां से उनके दादा श्री कल्लूराम जैन किन्हीं पारिवारिक कारणों से बिना किसी संसाधन के आगरा आ गए। दादाजी को मैंने नहीं देखा, मेरे जन्म से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन दादी का मुझे पूरा पूरा प्यार मिला। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पिता नेमीचंद जी जैन ने कपड़े का थोक व्यापार शुरू किया और साथ ही रेलवे एवं सरकारी निर्माण कार्यों की ठेकेदारी की। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में नेमीचंद जी ने अच्छा नाम कमाया। प्रदीप जी की शिक्षा भी आगरा में ही हुई। दुर्भाग्यवश नेमीचंद जी का छोटी उम्र में ही निधन हो गया, जब प्रदीप जी केवल 14 वर्ष के थे। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो उस वक्त मैं 9th में ही था। इसके बाद मैंने बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया और पढ़ने भी जाता था, सुबह पढ़ने जाता था, फिर दोपहर में आके बिजनेस को भी देखता था। यह करीबन 18-19 साल तक चलता रहा। उस वक्त मैं बीए के मैं पहुंच गया, संघर्ष करते करते। पढ़ाई भी बीच बीच में डिस्टर्ब होती रही, लेकिन ना तो मैंने पढ़ाई छोड़ी और ना काम छोड़ा, क्योंकि मैं एजुकेशन शिक्षा से मेरा बहुत गहरा लगाव रहा। किशोर प्रदीप पर पूरे घर का दायित्व आ गया। जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई तो ऐसा लगा उस वक्त चारों तरफ कि एक अंधकार सा है, अब जीवन में कैसे करना है, क्या करना है, उम्र कुछ है नहीं। लेकिन मेरी माँ आयरन लेडी हम उनको कहते थे, परिवार के सारे लोग रिश्तेदार, उन्होंने जो है कभी हिम्मत नहीं हारी। 14 वर्ष की अल्प आयु में प्रदीप जी को पिताजी के व्यवसाय को संभालना पड़ा, परंतु न उनकी आयु थी, न अनुभव और न कोई जानकारी। ऐसी स्थिति में 4-5 वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः ये व्यवसाय उन्हें छोड़ना पड़ा। कुछ अन्य कामों में भी उन्होंने भाग्य आजमाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसी बीच सन 1978 में उनका विवाह अजमेर निवासी मीनाजी जैन के साथ हुआ। विवाह के बाद फिर मैंने और कई काम शुरू किए, तो मथुरा रिफाइनरी जब स्थापित हुई तो मथुरा रिफाइनरी के साथ कुछ अटैच होकर हमने काम करने की सोची, एक नया बिजनेस शुरू करने की सोचा, और बिटुमेन की फैक्ट्री हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग की वहाँ पर लगाई और उस इंडस्ट्रीज को भी हमने काफ़ी टाइम तक चलाया। और हमारे मेरे साथ जब तक भाई बड़े हो गए थे तो भाइयों का भी पूरा सहयोग और उसमें मेहनत रही। एक कोल्ड स्टोरेज भी आगरा में लगाया, PNC कोल्ड स्टोरेज के नाम से। इसी बीच में फिर हमारे को ऐसा दिमाग में आया, एक ख्याल आया कि जो कंस्ट्रक्शन का काम हमारे पिताजी छोड़ के गए थे और जिसको हमने बीच में छोड़ दिया, तो क्यों ना उस कंस्ट्रक्शन के काम को दोबारा से शुरू किया जाए। तो इसके लिए मैं हरप्रसाद जी मेरे पिताजी के RSS के साथी थे, वो भी कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए थे, मैं उनके पास गया सलाह करने के लिए। उन्होंने कहा कि जिस कुएं में लुटिया डूबी है उसी कुएं में लुटिया को ढूंढा जाए तो लुटिया मिलेगी, और कहीं लुटिया मिलने वाली नहीं है। आपका जो बिजनेस जहां जिस स्थिति में आपके पिताजी ने छोड़ा, आपने नहीं चला पाए, अब उसी बिजनेस को आपको दोबारा से करिए, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन जब उन्होंने किया और मेरी हिम्मत बधाई, तो फिर मैंने फिर ये हाईवे का बिजनेस पुनः शुरू किया। अपने पिताजी के मित्र के मशवरे पर उन्होंने पुनः कंस्ट्रक्शन का कार्य आरंभ किया और अपने भाइयों के साथ मिलकर PNC कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। आज PNC कंस्ट्रक्शंस PNC इंफ्राटेक के नाम से देश की अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है, जिसकी शुरुआत पहले
राज्य पीडब्ल्यूडी के लिए सड़कें बनाने और बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए राजमार्ग निर्माण से हुई। पीएनसी का पहला प्रोजेक्ट आगरा ग्वालियर फील्ड प्रोजेक्ट था जो 1999 में आरंभ हुआ और जैसा कि कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री। प्रदीप जी और उनके भाइयों ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिविल में हमने लखनऊ एयरपोर्ट बनाया है, देहरादून एयरपोर्ट बनाया है और कलकत्ता एयरपोर्ट का रनवे बनाया है जो कि लाइटिंग उस वक्त लैंडिंग नहीं थी, आज से 20-25 साल पहले नाइट लैंडिंग कलकत्ता में नहीं हो पाती थी, तो उस वक्त लाइट भी रनवे लाइटिंग के साथ हमने रनवे बना के कलकत्ता एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा उसके बाद कलकत्ता एयरपोर्ट को मिला। और एयरफोर्स के बेंगलोर रनवे हमने बनाया है, एयरफोर्स के नॉर्थ ईस्ट के कई रनवे हम लोगों ने बनाए हैं नॉर्थ ईस्ट के जो चाइना बॉर्डर के साथ आते हैं, के अलावा अभी हम लोग कई और सेक्टरों में भी काम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइनों में हम लोग काम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन डाल रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में जल आपूर्ति के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य आरंभ किया है जिसमें सुदूर ग्रामों में हर घर में नल द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, जल आपूर्ति के बाद पीएनसी समूह अब एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और वो है हॉस्पिटैलिटी। आगरा में इनका नवीनतम प्रकल्प एक भव्य विशाल 5-स्टार होटल है जो अभी निर्माणाधीन है। ये विश्व का शायद पहला प्योर वेजिटेरियन 5-स्टार होटल होगा। किसी भी 5-स्टार होटल का पूर्णतया शाकाहारी होना अपने आप में एक विशेष बात तो है ही, जैन परंपरा के सात्विक गौरव की भी बात है। तो दोस्तों वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्य टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है।
धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहां तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न, साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सराउगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सराउगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सराउगी जैन एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी की आत्मकथा के सेगमेंट में स्वागत करती हूं। पीएनसी के बढ़ते कदमों ने 2015 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की लिस्टिंग करवाई। आज पीएनसी का टर्नओवर हजारों करोड़ रुपयों का है। इसे ईश्वर का वरदान ही कहा जाए कि जो व्यक्ति एक समय स्वयं कार्य की तलाश में था, आज 12,000 के लगभग कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर रहा है। इसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अनेक संघर्षों का सामना करने वाले प्रदीप जी आज देश के जाने माने उद्योगपतियों में से एक हैं। आज भी वे अत्यंत सरल और विनम्र हैं, जो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हैं और जमीनी सच्चाइयों को नहीं नकारते। आपके द्वारा अनेक धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में भी काम किया गया है, क्या क्या है वो? देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, शिक्षा के साथ मेरा शुरू से बहुत लगाव रहा और शिक्षा के क्षेत्र में मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। आगरा के MD जैन विद्यालय के प्रति प्रदीप जी का भावनात्मक जुड़ाव रहा है, क्योंकि प्रारंभ से लेकर उनकी संपूर्ण शिक्षा यहीं हुई। आज वे यहाँ के ट्रस्टी हैं और प्रबंधन का भी सारा कार्यभार संभालते हैं। अनेक शिक्षण संस्थाओं में प्रदीप जी के परिवार के अनुदान से विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म आदि दिए जाते हैं। पितृहीन विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है। अपनी माता की स्मृति में प्रेमवती जैन एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना प्रदीप जी ने की है।
अनेक कलश स्थापना एवं पंच कल्याणक अनुष्ठानों में प्रदीप जी को सहभागिता मिली है और अनेक चातुर्मासों में उनका योगदान रहा है। कई आचार्य महाराजों का आशीर्वाद और पिच्छियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं। आचार्य विनम्र सागर महाराज के पीछे मुझे उन्होंने भेंट की और आर्य का प्रज्ञमती माता जी जो कि विद्यानंद जी महाराज की शिष्या थीं उनके पीछे मुझे प्राप्त हुई। अभी मुझे आर्य का अरहम श्री माता जी की भी पीछे प्राप्त हुई। धर्म के प्रति भी प्रदीप जी पूर्णतः समर्पित हैं। उनका विश्वास है कि धर्म कर्म कांडों में नहीं बल्कि सम्यक आचरण में है। इस मामले में वे अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि विभिन्न आमनायों के जैन संतों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। तो सभी महाराजों से सभी संघों से हम लोग जुड़े हुए हैं। ना मैं विशेष बात बताना चाहूँगा ललित जी, ना हम संघवाद में हैं, ना पंथवाद में हैं, ना संतवाद में हैं और ना हम जो है ग्रंथवाद में हैं। इस सब की जो विवाद हैं इन सब से हम अलग हैं। कोई भी साधु आए, किसी भी संघ का आए, किसी भी पंथ का आए, हमारा पूरा समर्पण भगवान महावीर स्वामी के पंथ को हम मानने वाले हैं, हम और किसी पंथ को मानने वाले नहीं। अनेक मंदिर निर्माण में प्रदीप जी जैन के परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनमें कमला नगर स्थित मंदिर, शांति निवास और विद्यासागर संत निलय आदि प्रमुख हैं। इसके साथ साथ असक्षम श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से कालंदी विहार में भूमि खरीदकर अपने ट्रस्ट द्वारा प्रदीप जी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया है। कर्मयोगी विशाल मंदिर का निर्माण भी प्रदीप जी के परिवार के सहयोग से ही हुआ है। हालांकि प्रदीप जी ये मानते हैं कि समाज और सहधार्मिक बंधुओं के सहयोग के बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकते थे। अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाओं से प्रदीप जी जुड़े हैं, जिनमें भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जो दिगंबर समाज की सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है, के वे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। सन 2018 में श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक समारोह में प्रदीप जी ने निरंतर एक वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। विगत वर्ष संपन्न हुए श्री महावीर जी महामस्तकाभिषेक समारोह से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा। एक सफल उद्योग का संचालन करने वाले प्रदीप जी की धर्म और अध्यात्म के प्रति गहरी निष्ठा है। उनकी पत्नी मीना जी सही अर्थों में उनकी सहधर्मिणी हैं, जो हर कदम पर अपने पति की सहयोगी रही हैं। अभिमान और अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। वे अपने को एक गृहिणी के रूप में ही मानती हैं। प्रदीप जी जिन्हें पूरा देश जानता है, जैन समाज के अलावा अन्य समाज में भी उनकी बहुत अच्छी पहचान है और आप उनकी पत्नी हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? ये मुझे बहुत अच्छा महसूस है कि पूरी जैन समाज में, पूरे समाज के अंदर उनका नाम है, मुझे बड़ा गर्व होता है। आपकी शादी के लगभग 45 साल हो गए, ऐसी कोई खास बात जिससे आप बहुत प्रभावित हों? ये घर के अंदर सबसे बड़े हैं और ये सबको लेकर एक साथ चले हैं, जिसके कारण हमारा ये परिवार एक साथ मिलकर सब इतना बड़ा जुट होकर एक साथ चल रहा है। चारों भाइयों के बच्चों में बड़ा प्रेम भाव एक साथ रहता है। ये इनमें त्याग की भावना शुरू से ही रही और ये सबको एक साथ लेकर चले हैं। देश के सफल उद्योगपति होते हुए भी प्रदीप जी अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं और जमीनी हकीकत को भी नहीं नकारते हैं। इसका प्रमाण है उनका संयुक्त परिवार, जहाँ 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ हैं। अपने छोटे भाइयों और बहनों को प्रदीप जी ने पितृतुल्य प्रेम और वात्सल्य प्रदान किया है। उनके अनुज भी उन्हें अपना पिता ही मानते हैं और अक्सर उनके बारे में बातें करते हुए भावुक हो जाते हैं। प्रदीप जी के छोटे भाइयों की पत्नियां भी उनमें अपने पिता और ससुर की छवि देखती हैं। वो बड़े भाई के रूप में ही नहीं, एक पिता का जो एक दर्जा होता है वो हम लोग उनको दर्जा देते हैं।
और परिवार ही नहीं समाज में भी जब भैया आए तो भैया ने समाज के अंदर भी वही स्थिति बनाई। एक्चुअली जब मैं शादी होकर आई थी तो मैंने अपने फादर इन लॉ को तो देखा ही नहीं है कि कभी, तो जो फादर इन लॉ का रोल होता है और जो बड़े भैया का रोल होता है, मैंने एक्चुअली वो फादर इन लॉ का ही रोल देखा है उनमें। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे भाई साहब जैसे भाई सब लोगों को मिले हैं। भाई साहब जब व्यापार में इन्वॉल्व हुए, व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब व्यापार ऊंचाइयों पर पहुंच गया तो भाई साहब ने धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया और हर धार्मिक कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैंने तो कभी भी उनको पा करके अपने पापा की कमी महसूस नहीं की। वो परिवार का एक ऐसा स्तंभ है जिनने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है। आपकी आंख में जो आंसू आ रहे हैं, भाई बिलख के रो सकता है लेकिन एक दूसरे परिवार से आई हुई महिला इस तरह रो सकती है अपने जेठ के लिए, मैं वाकई बहुत अभिभूत हूँ। मैंने अपने पिता को बचपन से देखा भी नहीं, तो उन्होंने ही मुझे पाला बड़ा किया। स्टार्टिंग से ही मैंने तो एज ए पिता की तरह उनको देखा और उनके साथ साथ चले, जैसा उन्होंने गाइड किया वैसे चले। आपके आंसू जो निकल रहे हैं योगेश जी, ये आज साबित कर रहा है कि प्रदीप जी ने चाहे कितना भी धन कमाया हो, चाहे कितना भी नाम कमाया हो, लेकिन उन्होंने जो सबसे चीज जो अपने जीवन में अर्जित की वो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, ये बहुत बड़ी पूंजी प्रदीप जी की है। मेरी मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ नहीं थे, तो उन्होंने हमेशा एक पिता की तरह मतलब हमें रखा। आप भी भाव विवल हो गई। ये दृश्य एक अद्भुत है, आप दोनों पति पत्नी का जोड़ा अपने बड़े भाई के प्रति किस तरीके से आप समर्पित हैं। आपके शब्द नहीं हैं, पर आपके आंख के जो निकलते हुए आंसू हैं ये हजारों शब्दों को कह रहे हैं। वो मेरे बड़े भाई के साथ साथ पिता के समान है। जब उनके खेलने की उम्र थी तब उन पर पिताजी की भी जिम्मेदारी आ गई, जिसको उन्होंने अनेक अनेक मुश्किलों के साथ आत्मविश्वास के साथ धन की राह पर चलते हुए निभाया। भाई साहब ने अपनी सुख और सपनों को अपने छोटे भाई बहनों के लिए त्याग कर दिया। जो त्याग भाई साहब ने हमारे लिए किए हैं उन्हीं की वजह से आज हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन गई है। प्रदीप जैन दानवीर भामा शाह है, इनकी पूरी परिवार अनुमोदना करता है। हमारा संयुक्त परिवार है जो कि एक समाज के सामने उदाहरण है। और तो और प्रदीप जी के बच्चे और भाइयों के बच्चे उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। जैसे पापा जी ने पूरी फैमिली को एक लेके चले हैं, पूरी सब परिवार को। जैसे बड़े से बड़ा कोई विपत्ति आती है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव गॉट सच ए वंडरफुल फादर इन लॉ। ही इज़ फुल ऑफ सो मेनी वैल्यूज, ही इज़ सो कॉन्फिडेंट, ही इज़ सो करेजियस। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए किसी भी प्रकार की ना नहीं कही है, भले उन पर वो चीज़ नहीं है लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं करवा दूंगा, हो जाएगा। शादी से पहले ही जब मैं उनको सुनती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था। जब मैंने पापा से पूछा कि पापा मेरा रिश्ता कहाँ चल रहा है, तो पापा ने मुझसे बोला कि वही जिनको सुनकर तुझे बहुत अच्छा लगता है ना, तेरा रिश्ता वही हो रहा है। शादी के बाद जब अपने घर गई तो मैंने देखा वहाँ पर भी मेरे संयुक्त परिवार था। हम जाते हैं किसी नए घर पर तो हमारे सामने बहुत तरह की सिचुएशंस आती हैं।
तो उस समय पर मैं अपने पापा को दिमाग में रखती थी कि अगर वो मेरी जगह यहाँ होते तो वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करते। हमने अपने पापा से यही सीखा कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मेरे ससुराल में भी मेरी जॉइंट फैमिली है कि अगर हम दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें खुद भी सम्मान मिलता है। आज के इस युग में जहाँ पढ़े लिखे युवा लोग अक्सर अपने बुजुर्गों को आउटडेटेड समझते हैं, प्रदीप जी के परिवार की युवा पीढ़ी ये मानती है कि उनकी छत्र छाया उनका सौभाग्य है। वो अपना गुस्सा भी ऐसे वे में रखते कि सामने वाला हंस जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ही रियलाइजेस और ही और शी कि हाँ उसने गलती करी है। उनने अपना काम को अपना पैशन बनाया, कोई बहुत स्पेशल ओकेजन आ जाए बट अगर काम अगर पहले आता है तो मतलब वो पहले ही आता है। हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं तो मैं अपने आप को ऐसे समझता हूँ कि लाइक मेरे को अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहिए ताऊ जी की तरह। ताऊ जी हमारे परिवार के एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। ताऊ जी की वजह से ये पूरा परिवार एक साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। उनसे जो हमने सबसे ज़्यादा सीखा है वो है फैमिली वैल्यूज। उन्होंने हमें सिखाया है कि फैमिली हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ताऊ जी के साहस और परिश्रम की चर्चाएं दूर दूर तक हैं और वो हमें हमेशा उत्साहित करती रही हैं। एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। वहाँ जिंदगी चैन रत्न सीजन एक, सीजन दो और सीजन तीन की अपार सफलता के बाद अब सीजन चार की शूटिंग लगातार पूरे देश में चल रही है। साथ ही साथ इसका प्रसारण भी प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर आदिनाथ टीवी पर हो रहा है। मिलिए सीजन चार में शामिल चैन रत्नों से।
अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें। ललित सराउगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सराउगी जैन, मुंबई 9073657827। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी में स्वागत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रदीप जी के बारे में और कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। अत्यंत व्यस्त रहने वाले प्रदीप जी एक नियमित और अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं। नियमित रूप से धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले प्रदीप जी का धार्मिक ज्ञान भी उच्च कोटि का है। मंदिर में चूंकि 6:30 बजे हमारे मंदिर में प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो प्रथम अभिषेक में जाके वहाँ पर मुझे करना होता है, मेरा नियम है। इसके बाद हमारे यहाँ शास्त्र स्वाध्याय होता है करीबन 20-25 मिनट का। उस शास्त्र स्वाध्याय को करता हूँ और लोगों को कराता हूँ। 150-200 लोग मंदिर में मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद मैं 8:30 बजे करीब वहाँ से निकलता हूँ मंदिर से। फिर मैं टहलता हूँ, टहलने जाता हूँ तो मंदिर के ठीक सामने ही पार्क है, तो उसमें मैं आधा घंटा टहलता हूँ। टहलने के बाद 9 बजे मैं घर आता हूँ। 9 बजे घर आके फिर मेरी योगा क्लासेस शुरू हो जाती है। 9 से 10 बजे तक मैं योगा करता हूँ। 10 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ और 11:30 बजे करीब ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सरल और सरस शैली में दिए गए इनके प्रवचन लोगों के हृदय को छू लेते हैं। प्रति सप्ताह घर में भी उनका ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें उनके संयुक्त परिवार के सदस्य उपस्थित रहते हैं। जीवन को सही रूप में जीने की अपने पिताजी की सीख को प्रदीप जी ने अपने जीवन में उतारा है। पारिवारिक आयोजनों और मंगल अवसरों को वे अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं और अवकाश के क्षणों का भरपूर आनंद भी लेते हैं। प्रदीप जी का मानना है कि संयुक्त परिवार की परंपरा तभी कायम रह सकती है जब सभी सदस्यों में परस्पर स्नेह, विश्वास और समर्पण का जज्बा हो। अपना काम सभी ईमानदारी से करें और त्याग की भावना रखें। संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, पर आपका 4 भाइयों का संयुक्त परिवार एक साथ एक व्यवसाय में जुड़ा हुआ है। उनके बच्चे हैं, उनके अपने अपनी सोच है, अपने अपनी ईगोज हैं, आप कैसे सबको मैनेज कर पाए? चाहे परिवार हो अथवा कोई भी जगह हो, ये सारी चीज़ें और प्यार अगर बना रहता है तो त्याग के कारण बनता है। आपके अंदर त्याग की भावना है और आप त्याग करने में सबसे आगे रहते हैं, तो परिवार के भी और सदस्य त्याग करने की भावना में रखते हैं और वो भी आगे रहते हैं। ये जो मेरे भाई बहन हैं छोटे, ये मैंने कभी इनको भाई और बहन नहीं समझा, मैंने इनको पुत्र और पुत्रियों की तरह ही समझा है। मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां बाद में हैं, मेरे भाई बहन पहले मेरे पुत्र पुत्रियां हैं। मैंने हमेशा इनको पिता का स्नेह प्रदान किया है और आज भी कर रहा हूँ। इसकी वजह से जो संयुक्त परिवार हमारा
त्याग की मजबूत नींव के ऊपर खड़ा हुआ। जिस प्रकार से मैं अपने भाई बहनों को प्यार करता हूँ, उसी प्रकार से मेरे भाई बहन भी मुझे पूरा पिता का सम्मान देते हुए मेरे साथ रहते हैं। और अगर मुझे जरा सी भी तकलीफ़ होती है तो मेरा बेटा बाद में आता है, मेरा भाई पहले दौड़ के आता है मेरे पास। ये हमारे परिवार की, संयुक्त परिवार की एकता की बहुत बड़ी नींव है। केवल प्रदीप जी ही नहीं, उनके परिवार के सभी सदस्य, यहाँ तक कि युवा भी धर्म से गहराई से जुड़े हैं, जो देव दर्शन एवं धार्मिक अनुष्ठानों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। तुमको दादू क्या सिखाते हैं? मैं दादू के साथ रोज मंदिर जाता हूँ और उनके साथ प्रचार करता हूँ। मैं रोज मंदिर जाता हूँ। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियालम, नमो सारम, नमो लभ्य सभ्य सौरम, ऐसे वचनों का रोज सभ्य भाव बड़ा सर मंगल लभ्य सभ्य सी मंगलम हमें भगवान। प्रदीप जी अत्यंत मृदुभाषी हैं, जो अपने स्वजनों को ही नहीं अपने कर्मचारियों को भी सम्मान और सहयोग देते हैं। उनकी एक मुस्कुराहट उनसे मिलने आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रसन्न बना देती है और उसकी परेशानी को दूर कर देती है। प्रदीप जी के जीवन पर यदि दृष्टि डालें तो यही बात उजागर होगी कि वे गृहस्थ साधु हैं, जो स्वयं से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। प्रदीप जी का व्यक्तित्व उस वट वृक्ष की भांति है, जिसकी छांव में सबको विश्राम और सुकून मिलता है। उनके वात्सल्य की शीतल फुहार सबको निश्चिंत बना देती है। आज के इस युग में जहां संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हो रहा है, वहीं प्रदीप जी ने अपने परिवार को एक गुलदस्ते की भांति सजाया है, जिसकी खुशबू आने वाली पीढ़ियां भी महसूस करेंगी। हजारों व्यक्तियों को प्रदीप जी ने एक सकारात्मक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है और इस प्रकार न केवल अपनी बल्कि अनेक लोगों की जिंदगी बनाई है वह जिंदगी। यह थी प्रदीप जी जैन की आत्मकथा। हमने उनके बारे में देखा कि किस प्रकार से बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने माथे पर ले ली। बड़े ही प्यार से उन्होंने अपने भाइयों और बहनों के लिए पिता की भूमिका निभाई, परिवार संभाला और एक वृहद व्यवसाय स्थापित ऐसा किया कि हजारों लोगों को रोजगार दिया, सामाजिक धार्मिक कार्य किए और कई संख्या में लोगों की जिंदगी बनाई वह जिंदगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी आत्मकथा को देखकर आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी और यही मकसद है वह जिंदगी का, कि हम आपके सामने लाए ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा जिसे देखकर आप भी कुछ सीख सके और मन में यह ठान सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ विशेष किया हो और आप उनके ऊपर आत्मकथा बनाकर उनके इतिहास को एक फिल्म के माध्यम से संजोना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और हम जरूर उनके ऊपर फिल्म बनाएंगे। हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, और तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय जिनेंद्र।